सरहदों पे तनाव है क्या? जरा पता करो, चुनाव है क्या? क्या बेरोजगारी नहीं है, काम लोग करना नहीं चाहते हैं। अरे तो आज यूक्रेन मदद मांग रहा है मोदी जी से। कैसे? कि बचा लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री है वो सबका रेट लगा चुके हैं। क्यों, जिसका नमक खाए उसका दलाली बतिया के हम लोग क्या पाएंगे? नमक में शीशा पीसा है। अरे कैसे? नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और द लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा आज आजमगढ़ की फूलपुर पवई विधानसभा में पहुंची है। आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, पिछली बार 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली और 1 सीट बीजेपी को मिली, और वो इकलौती सीट यही थी फूलपुर पवई। और क्यों मिली? वजह ये थी कि यहाँ से यहाँ के दबंग नेता कहते हैं, कई लोग बाहुबली भी कहते हैं, रमाकांत यादव के बेटे जो अरुण कांत यादव बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और उन्होंने ये सीट बीजेपी के खाते में निकाल के डाली। पहली बार बीजेपी यहाँ जीती थी। ये फूलपुर पवई का इलाका रमाकांत यादव का गढ़ कहा जाता है। रमाकांत यादव आजमगढ़ से 4 बार के सांसद भी रह चुके हैं और यहाँ से 4 बार विधायक भी रहे हैं। उनकी पत्नी ने भी चुनाव लड़ा, बीच में 1-2 बार हारे, फिर उनके बेटे ने चुनाव लड़ा और मेरी जानकारी में 1993 के बाद पहला विधानसभा चुनाव रमाकांत यादव लड़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो हमको एक जो है बहुत दमदार टाइप के आदमी दिख रहे हैं, कुर्ता उर्ता पहने हुए। और अरे पहले आपसे बतियाएंगे, आप एकदम एकदम जमाए हुए हैं, सदरी उदरी एकदम। ये कुर्ता सिल्क वाला है? हाँ सिल्क। क्या नाम है? बाबू राम यादव। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। कौन सा? व्यवसायी है। भट्टा? बड़ा एकदम मोटे आसामी है। जी। और क्या करते हैं? देखने में भी मोटे हैं भैया। देखने में भी तो मोटे हैं। नहीं नहीं, स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं, मोटे नहीं, स्वस्थ हैं। तो और भट्टा चलाते हैं और बिजनेस किसे? खेती का। नेताई से भी पूछे? नहीं, प्रधानी लड़े थे हम 2005 में, चुनाव जीते हैं। 2005 में प्रधान थे जी, उसके बाद छोड़ दिए प्रधानी। फिर उसके बाद आगे नहीं, जैसे प्रधान बाद होता है ब्लॉक प्रमुख की? नहीं, ब्लॉक प्रमुख ही तो जानते हैं, गिना गिनाया वोट होता है। जिला पंचायत लड़े थे, 167 वोट से हारे हैं। अच्छा, तो किसकी राजनीति करते हैं? मैं समाजवादी की राजनीति करता हूँ। रमाकांतवादी कही। जिस तरफ वो जाते हैं, जैसे वो तो कांग्रेस में भी रहे, कहीं भी जाएंगे वो, सपा में भी रहे, बसपा में भी रहे। बसपा में थे ना? बसपा में थे। और बीजेपी में भी रह लिए? जनता दल यूनाइटेड में भी थे। जनता दल, तो जहाँ वो जाएंगे ताम है। क्या कनेक्शन है आपका? अरे कनेक्शन क्या है, बस ऐसी तालुकात हैं, हमारे लोकल नेता हैं, बढ़िया हैं। आपके नेता जो है उनका दबदबा है इस इलाके में, उनको लोग बाहुबली क्यों? जनता का बल है उनके साथ, इसलिए उनको बाहुबली कहा जाता है। और समझाइए। बता रहा हूँ कि जनता का बल है उनके साथ, इसलिए बाहुबली कहा जाता है। ना कोई उनकी आपराधिक छवि है, ना इस तरह से कोई वो है। तो वो इस बार जो है क्या कह रहे हैं? उनके पास चार हाथ पर थोड़ी बाहुबली, कई बाहर उनके पास दो ही है। वही बता रहे हैं ना कि जनता का बल है, इसलिए जो है बाहुबली लोग उनको कहते हैं। तो पहले तो बीजेपी में चले गए थे, अब वापस जो है सपा में आए हैं, तो इस बार क्या है? बहुत जगह गए, जाने उनके जाने आने पर मत विचार करिए आप, बस उनके राजनीति पर विचार करिए। यहाँ से बीजेपी से राम सूरत राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी बसपा से शकील अहमद और कांग्रेस से शाहिद शादाब। तो इस बार क्या है मामला? अरे हम ही हैं क्या? आप इतने दमदार आदमी तो हैं, बता रहे हैं कि हम साइकिल यहाँ चल रही है, तो हवा है, हाँ एकदम दबा के नंबर 1 पे। हाँ, तो ये बताइए कि लड़ाई किससे? लड़ाई तो यहाँ लड़ाई कहाँ है? यहाँ लड़ाई पिछली बार तो गिरते पड़ते जीते थे 6,000। अरे वो लड़का था उनका जो है, वो बीजेपी से गिरते पड़ते लड़ाई थी। आपका क्या नाम है? राम सिंह यादव। तो पिछली बार बीजेपी में गए तो इसलिए गिरते पड़ते जी? और समाजवादी पार्टी में पहले थे, कभी इतना कम चुनाव से अंतर से नहीं जीते। इस बार सपा से लड़ रहे हैं, उड़ते उड़ाते हारेंगे। सपा से लड़, उस बार बीजेपी में थे तो गिरते पड़ते जीते थे, इस बार सपा से लड़ रहे हैं तो उड़ते पड़ाते हारेंगे। कहे
यहाँ पे केवल सिर्फ और सिर्फ हाथी चलेगी। नहीं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ये फर्क नहीं पड़ता। मैं इस हिंदू मैं उत्तर प्रदेश का मतदाता हूँ। तेरे पूर्वांचल रमाकांत यादव जिंदाबाद। तेरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का मतदाता हूँ और उत्तर प्रदेश के बेहतरीन भाग्य के लिए वोट करूंगा, क्योंकि सपा के पिछले 5 साल में जो पिछली सरकार में जो सपा की पिछली सरकार थी, उस सरकार में जितना भी अदर बैकवर्ड का जो उत्पीड़न किया गया, उसे अभी तक अदर बैकवर्ड भूला नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम निखिल जायसवाल है। और इस उसके पहले जो बसपा की सरकार थी, जिसका मुख्य नारा था सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, उसी नारे को पुनः दोहराते हुए उत्तर प्रदेश एक बार पुनः बसपा की सरकार बनने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के समस्त लोगों का कल्याण संभव है। वोट दूसरे को देंगे, बता रहे हैं बहुजन को, इसलिए गुमराह कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग फूलपुर में आए हैं, और मैं सौरभ द्विवेदी सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे वाह, लल्लन टॉप की टीम फूलपुर में आई है, ये हम लोग का सौभाग्य है कि आप लोग अपना फूलपुर पवई बोलिए पूरा एक फूलपुर फूलपुर पवई फूलपुर पवई हाँ फूलपुर पवई जी फूलपुर पवई। और बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ द्विवेदी सर तक ये पहुंचा दीजिएगा खबर, हाँ, कि उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और क्या नाम है? अभिजीत मिश्रा। मैं लल्लन टॉप का हर एक एपिसोड, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, मैं हमेशा वॉच करता हूँ। भी आपकी गाड़ी आगे खड़ी थी तो मैं रुका, मैं जा रहा था किसी काम से, मैंने कहा भाई हो सकता है सौरभ द्विवेदी सर हो, आपको ही मैंने देखा। वो भी आजमगढ़ में है। अच्छा अच्छा अच्छा, अलग अलग इलाकों में है। जी, जी, जी। हम लोग समझ रहे हैं आजमगढ़ जो है 10 सीटें हैं, बड़ा ज़िला है, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ रहा है। तो आप पूरी बात अपनी बताइए। बता तो रहा हूँ कि माननीय हमारे मित्र श्री राम सिंह यादव जी ये पूरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वोट किसी और को देंगे, केवल इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये वोट जो है बीएसपी को नहीं, निवेदन करूंगा कि किसको देंगे। अरे किसी को देंगे, आप समझ लीजिए ना, कभी भी बीएसपी में थोड़ी थे इनके। राम यादव जी का बात सुना हूँ मैं, इनसे निवेदन करूंगा कि पूरी गंभीरता से हमारी बात सुन ले। अगर उत्तर प्रदेश में हमें अपनी बात कहने का हक नहीं, गुजराती पूरे देश को मूर्ख बनाए हुए हैं, वही हाल इनकी। अपनी बात कहने तो जनता गुमराह नहीं हो रही है, और हम अपनी बात करें तो जनता गुमराह रही है, ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? अपनी कहे तब तो ठीक है, ये अपनी बातें नहीं कर रहे हैं, बात दूसरे को कर रहे हैं, केवल गुमराह कर रहे हैं। नाम बीजेपी बीएसपी के ले रहे हैं, बीएसपी को कभी नहीं वोट दिए थे न देंगे, केवल गुमराह कर रहे हैं। धूल ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल, और साइकिल तो 7 मार्च के बाद पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। मैं डबल इंजन सरकार योगी मोदी की सरकार फिर से बनने जा रही है, जिसके लिए जो कोई भी संशय नहीं रह गया। जो डबल इंजन है वो पूरी तरह से बेकार हो गया है। एक सेकंड, इनका जो डबल इंजन है एक करके बोले बेकार हो गया। अच्छा, एक एक करके बोलेंगे तो ये बताए मेरे भाई, डबल इंजन की सरकार एक आपने बोला दिया, आपने बोला यहाँ फूलपुर में एक ट्रामा सेंटर बन रहा है, क्या वो बन गया डबल इंजन? आप इनसे जवाब ले लें, किसान को रोदने वाली सरकार, आप इनसे जवाब ले लें। हाँ, क्या नाम है आपका? सुरेश गुप्ता है, फूलपुर फूलपुर से चेयरमैन प्रत्याशी रहा हूँ। ये जो फूलपुर पवई में जो यहाँ की जनता ने पिछली बार जो है कमल को चुना था, तो कमल को इस बार भी चुनने जा रही है, उसको निर्विवाद रूप से जो है कमल का फूल यहाँ कमल को चुना था, रमाकांत यादव कमल को चुना था जो है कमल को चुना था जो है बार सही बात तो ये है कि यहाँ से कमल का फूल जीती थी तो कमल को ही लोगों ने चुना था, लेकिन कमल के फूल ने पूरे उत्तर प्रदेश में संपूर्ण निराशा और भय का माहौल बना दिया। नौजवान परेशान, किसान परेशान, किसान क्यों परेशान? किसान का इन्होंने जो काला बिल लेके आया उससे किसान परेशान हो गया, तो वापस ले लिया। वापस तो आप हमें परेशान करके वापस ले लीजिए, तो इसी तरह आप नोटबंदी कर रहे, नोटबंदी क्यों नहीं वापस ले लिए? आपको तो नोटबंदी भी वापस लेना चाहिए था ना। कहने के लिए सब जुमलेबाजी है जो है, सपा के लोग भी बार बार पूछते रहे कि ये जो है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज मंदिर ही बन रहा है और तारीख भी बता दिया गया है, तारीख बता दिया गया है और दोनों काम हो रहा है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, वो अपने मेन मुद्दे पे रोजगार लोगों ने हैक किया, इसका मतलब इन्होंने कोर्ट को हैक किया है। ये कहते थे कि मंदिर जो है कोर्ट ने किया, इसका मतलब सरकार ने किया, इसका मतलब है कि मंदिर ने का सरकार ने किया है, या तो कोर्ट को आप कहिए, कोर्ट के मारे को आप आज उसका श्रेय अगर लेना चाहते तो गलत है, क्योंकि वो कोर्ट। अभिषेक आप बताओ अभी क्या कहें? अभिजीत एक से बारी बारी से अभी हम आपकी सुने ना, फिर सुनेंगे। मैं ये बोलना चाहूंगा, कोई भी सरकार रहे
जनता के लिए कार्य करे वो सबसे बड़ी चीज है। रोजगार की बात अगर जहां तक है, देखिए बेरोजगारी क्या किसी सरकारी नौकरी पाने वाले को ही कहा जाता है क्या कि ये रोजगार पा चुका है? ऐसा नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज तो ज्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी नहीं है, काम लोग करना नहीं चाहते हैं। हकीकत ये है, लोग जो काम करना चाह रहे हैं वो दो पैसा कमा रहे हैं। बेरोजगारी कहीं नहीं, लोग MBA करके पकौड़े लगा रहे हैं, चाय की रेहड़ी लगा रहे हैं, देखिए चाय बेच रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि सरकारी कर्मचारी ये सुनिए, मैं बेसिकली रहने वाला देवरिया जिले का हूँ, यहाँ मेरी पोस्ट। लेकिन ये बात आपने मतलब ये बहुत अजीब सी है कि लोग काम नहीं करना चाहते। बहुत सारे युवा हैं, हम भी प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले हैं, लड़के आते हैं साल साल तैयारी करते हैं, लाठी खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, और उसके बाद जो है रोजगार नहीं मिलता है, सुसाइड कर लेते हैं, उनकी अलग समस्याएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि काबिलियत की कमी है हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में, रोजगार के साधन और हो सकते हैं, लेकिन ये कहा जाए कि रोजगार के साध्य कोई है ही नहीं, ये गलत बात। मैं बोलना चाहूंगा सर, उत्तर प्रदेश का जो यशस्वी मुख्यमंत्री है, यशस्वी मुख्यमंत्री जो उत्तर पूरी उत्तर प्रदेश, देखिए देखिए सबसे बड़ी सर नहीं नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं आपको बताऊँ सर, सबसे बड़ी चीज देखिए, मैंने भी तैयारी किया है, मैं भी लखनऊ से पढ़ा लिखा। सुसाइड की जहां तक बात है, सुसाइड हर एक स्टूडेंट जो डिप्रेशन में रहा है वो पहले भी करता आया है और आज भी कर रहा है। ये आप सिर्फ नहीं, आप ऐसा मत कहिए कि देखिए जो मेहनत कर रहा है, देखिए जो मेहनत कर रहा है वो आज भी सरकारी नौकरी में पा रहा है, उसको प्राप्त कर रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप ये बताइए सरकार कितने लोगों को नौकरी दे रही है, कितनी है? हमारे उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री है, हमारे उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री है वो सबका रेट लगा चुके हैं। ठाकुर मरेगा 50 लाख, बनिया मरेगा 30 लाख, यादव मरेगा 20 लाख, एससी मरेगा 10 लाख, मुसलमान मरेगा 0 पैसा। ये बताएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं कि प्रजा प्रजा में भेद क्यों कर रहे हैं? अगर मुआवजा देना है तो सभी लोगों को एक समान मुआवजा दिया जाइए कि बिरादरी देख कर। एक बात बताइए, एक मुआवजा चाहिए क्यों? क्यों नहीं चाहिए? अरे हम ये कह रहे हैं कि वो उस तरह से हो ही ना, घटना है ना, मुआवजा देने की तो नौबत ही ना है ना। बड़ा कांड हुआ, पुलिस गई, अच्छा पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, पुलिस हमें बूट से पीट के मार दे रही है और हमें 20 लाख का मुआवजा दे रही है। ये उत्तर प्रदेश में और लोगों से बात कर ले, कानून का राज खत्म हो गया है यार, इनको विधायक ही लड़वा दीजिए यार, इनको विधायक बहुत जरूरी है यार, इनको जो है अगली बार विधायकी लड़वाइए, बहुत बोल रहे विधायकी लड़ू या ना लड़ू, माइक मत छीनो यार, लड़ू या ना लड़ू, लेकिन जनता की जो बात है, जनता की जो समस्या है, जनता की जो पीड़ा है, उसका मैं उठाने का काम करता रहूंगा। अगर एक एक करके लोग बात करेंगे तभी बात करूंगा, अगर एक एक करके लोग आपकी बात सुन ली ना, जयसवाल जी आपकी बात सुन ली ना, इनकी सुन ली ना, अब थोड़ा बाकी सुन लो, फिर वापस आऊंगा बिल्कुल आऊंगा। आपका क्या नाम है? आफताब। आप दो मिनट रुक जाइए, आफताब आफताब। चलो परिवार काल यादव जिंदाबाद, अच्छा एक पार्टी जिंदाबाद, एक सेकंड, चलो परिवार चल रमा काल यादव जिंदाबाद। भाई 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 नारा लगा लेना, आराम से रुक जाओ, दो मिनट रुक जाओ, बात करने आए हैं ना, सबसे बात करें, अगर किसी के पास नहीं आएंगे तब फिर। आप क्या नाम आफताब? आफताब आफताब क्या करते हैं? खेती कराते हैं। क्या कहते हैं? खेती खेती कैसी चल रही? ठीक चल रही। कितने बीघे खेत? 18 बीघे। बढ़िया खेती जी, हमारा पशु तो बहुत पीड़ित है। हाँ समस्या है बड़ी, बहुत सबसे बड़ी समस्या आवारा पशु से। तो उसका क्या निदान है? परिवर्तन परिवर्तन। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ थोड़ा एक चीज बड़ा समझने लायक है कि जैसे यहाँ से बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, कांग्रेस ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, और ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग को मुस्लिम समर्थन है, तो क्या यहाँ आपको मुस्लिम वोटों में बंटवारा दिख रहा है? ऐसा तो बंटवारा कुछ दिख नहीं रहा है, अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ परिवर्तन जो
परिवर्तन में कौन है? परिवर्तन बीजेपी को हमको हराना है। जो बीजेपी को हराना है, बीजेपी को छोड़ के जो जीतेगा उसको जिताएंगे। मतलब कि जो मुस्लिम वोटर है वो किसी को जिता नहीं रहा है बल्कि बीजेपी को हरा रहा है? हाँ। ऐसा क्यों? बस पक्षपात कर रही है जो बीजेपी। किस तरह का पक्षपात लगता है? अरे दुनिया भर पक्षपात है, 20% 80% अभी सब क्या है, पक्षपात ही है। तो कौन जीत रहा है? देखिए आजमगढ़ में, अब देखिए कौन जीतता है। बीजेपी यहाँ एक सीट नहीं निकालेगी। किसका भारी लग रहा है? अब बीजेपी छोड़ के जो भी है बीजेपी यहाँ हार जाएगी। बसपा का क्या है? क्योंकि पिछली बार बसपा है नंबर 2 जी, पहले फिर नंबर 2 जाएगी। अब देखिए क्या होता है। बोल नहीं रहा मुस्लिम वोटर नहीं, उसमें जो देखा जाएगा ना। अच्छा तो एमआईएम का कोई स्कोप है? नहीं एमआईएम कोई नहीं, एमआईएम का कोई नहीं। मुबारकपुर में कह रहे कि है, मुबारकपुर में हाँ वहाँ बताएं, वहाँ बता नहीं वहाँ से गुड्डू जमाली बीएसपी वाले। अच्छा साइकिल नंबर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आजम। साइकिल नंबर 1 जी, नंबर 1 पूरे पूरे मुस्लिम जो और मुस्लिम कैंडिडेट है वो उनका उसे कोई मतलब नहीं ना, वोट खराब होने से कोई फायदा नहीं है। जातिगत आधार पे कोई वो नहीं है, कोई नहीं, पूरा हम लोग स्वीप कर देंगे, एकदम क्लीन कर देंगे। नंबर 1 चल रहे हैं, क्लीन स्वीप कर देंगे, एकदम नंबर 1 चल रहे हैं। साइकिल को, साइकिल एकदम चल रही है, क्लीन स्वीप कर देंगे भैया। साइकिल नंबर 1 चल रही है। भाजपा कोई भी पक्षपात नहीं करती है, सब इनका तरफ से। साइकिल नंबर एक नहीं चल रही है। क्यों साइकिल नंबर 1 चली? पिछली बार फूलपुर से जो है 68,000 वोट मिला था। आजमगढ़ जिले में 1 विधायक था, आजमगढ़ जिले में भाजपा के 1 विधायक थे। चलिए ठीक है, अब की बार आजमगढ़ में भाजपा के नहीं है सांसद जी, अब की बार 3 से 4 विधायक जो भाजपा के जीतने जा रहे हैं चुनाव जो है। 4 विधायक कहाँ कहाँ जीतने जा रहे हैं? तो समय बताएगा, 10 तारीख को परिणाम देखा जाएगा। कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? 10 सीट जाएगी सपा की 10 सीट आजमगढ़ में। किसकी क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। सपा की 10 सीट? हाँ 10 सीट। नहीं नहीं मुबारकपुर से नहीं जीत रहे। आपकी अखिलेश की सरकार बनेगी? अखिलेश, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सरदार। सरदार जी यहाँ क्या मुद्दे हैं? हम तो ये सरकार आपकी अखिलेश की बनेगी, सरकार अखिलेश की बनेगी, हम किसी का नहीं बनेगी, सिर्फ अखिलेश की। अखिलेश क्या नाम दोस्त आपका? बिलाल। बिलाल 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 बोलो, क्या करते हो बिलाल? पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ते, कौन सी पढ़ाई करते हो? अभी तो इंटर में हूँ। उसके बाद? उसके बाद जो सोचेंगे। सोचोगे क्या? सोचो इतनी महंगाई बढ़ गई पेट्रोल डीजल का, और गड्ढा मुक्ति कराने के लिए सब वैसे वैसे पड़ा है रोड एकदम। अब की अखिलेश की सरकार बनेगी एकदम पूरे डंके की चोट पे। आजमगढ़ में आपको कह रहे 10 सीट जीत रही है जी, आप बताइए सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश जायसवाल। वो लोग पूछे मैं कोई नेता आदमी नहीं हूँ। अरे हम नेता से बात ही नहीं करते, नहीं है अपना, हम तो आम आदमी से बात करने आते हैं। लोग हैं अब बात करिए सभी तो से। आपको हमको लगा तो तमाशा देख रहा हूँ, तमाशबीन आदमी हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे हम इसलिए जो है हम क्या करते हैं गांव-गांव जाते हैं, शहर से। आपकी बात सही और आम लोगों से पूछते हैं क्योंकि क्या होता है कि बहुत बस भीड़ लगा था तमाशा देखने लगा। आप क्या करते बोलो? मैं तो व्यापार करता हूँ। व्यापार हमारा व्यापार है। किस चीज का? लोहे का है, सीमेंट का है व्यापार। कैसा कल्चर चल रहा है? फर्स्ट क्लास चल रहा है, बढ़िया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर व्यापारी बहुत वो रहते हैं, क्या है? सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक ही है। पहले से बेहतर है या पहले नहीं? बेहतर है, बेहतर है, बेहतर। उधर देखिए हमारे नेता जी हैं। आपका क्या नाम है भाई? मंजय सिंह। मंजय सिंह जी, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। किस चीज की? आईटीआई कर रहा हूँ। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन हूँ। अच्छा जी, तो यहीं पे आप फूलपुर के रहने वाले जी? ये दीदारगंज विधानसभा से। दीदारगंज जी, क्या लग रहा है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में वही जो हर बार होता वही होगा इस बार भी। पिछली बार 4 सीट बसपा जीती थी जी, तो अब की बार भी जीतेगी बसपा जी। कौन सी सीट जीती? दीदारगंज तो फिक्स है, फूलपुर भी फिक्स है, जहाँ तक उम्मीद है फूलपुर भी निकलेगी। फूलपुर निकलेगी जी, निकलनी बसपा जी। और दीदारगंज फूलपुर इतना है तो अभी दौड़ा हूँ, इससे ज्यादा दौड़ा किया नहीं हूँ मैं। हाँ। जी दो फिक्स है। ठीक है? नहीं ठीक नहीं कह रहे हैं। क्या आप बताए, क्या नाम है आपका? शिवम यादव। तो क्या क्या ठीक नहीं कह रहे हैं? ए बसपा की मतलब कोई बात ही नहीं इसमें निकलने वाली।
बस चार सीट इस बार शायद दो ही सीट निकले बल्कि की पारी बीजेपी कमल ही जीतेगा यहाँ से एकदम पूरा एकदम माहौल बन चुका है और 100% 101% जीतेगी बीजेपी। हनुमान मौर्य बीजेपी जीत रही है यहाँ पे एकदम पूरा माहौल बन चुका है। सब लोग चाहे जो कहें लेकिन बीजेपी कमल पे गिरेगा सबका साथ और सबका विकास सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है वो एकदम 100% तुम्हारी हाइट कम हाइट ज्यादा है हाइट कम है तो क्या थे लेकिन बाबा का बुलडोजर चलेगा यूपी में। क्या नाम आर्यन तो आर्यन बुलडोजर ठीक चीज है। हाँ बुलडोजर ठीक चीज है गुंडागर्दी खत्म हो गया इनके राज में। हाँ खत्म हो गया रेप खत्म हो गया सब कुछ इनके राज में खत्म हो गया। नमक तक दे दिए खाने को नमक तक दे दिए खाने को इस सरकार ने। बताओ जरा खुल के बताओ पूरा बताओ विस्तार। अरे सब खाने के लिए कोरोना मर रहे तो नमक तक दे दिए खाने को सबको। नमक चेक किए भैया? हाँ चेक किए सब कुछ चेक किए सब कुछ चेक किए। एक महीने देते हैं महीना में दो बार राशन फ्री में देते हैं। हम कहते हैं एक महीने में दो बार राशन हमको मिला है ना। क्या क्या मिला? अच्छा घर में पापा क्या करते हैं? पापा बाहर रहते हैं नासिक। और तुम क्या करते हो? हम पढ़ते हैं घूमते हैं। पढ़ते हो और घूमते हो? कौन सी क्लास में? 11th। हाँ आगे क्या करना है? आगे यही करना है पापा का बिजनेस संभालना है। क्या बिजनेस है? फल का है फ्रूट का। हाँ कैसे चल रहा है बिजनेस? बिजनेस अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है बिजनेस। हाँ बीजेपी ने क्या क्या काम किया? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया हम लोग के लिए जो भी है हम लोग के लिए बहुत अच्छा। महीने में दो बार राशन दिया और सब कुछ दिया तेल तक दिया नमक दिया और हर चीज दिया। इनके राज में सब कुछ गुंडागर्दी सब कुछ खत्म हो गया। हम लोग खुल के जी रहे हैं। कैसे गुंडा? पहले ही गुंडागर्दी थी रेप होता था छिनैती होता था मार होता था कोई नहीं कर पाता था एक्शन कोई नहीं ले पाता था। अब बाबा के राज में सब कुछ हो रहा है सब कुछ होगा। बाबा के राज में ना रेप हो रहा है खत्म हो जाएगा ना कोई घटनाएं तो हो रही है हाथरस में हो रही है नहीं हो रही सब बंद हो गया है उनके राज में सब कुछ बंद हो गया है। किसान को रो दो 5 महीने में बेल ले लो और बकरी चुरा लो 15 महीना बेल नहीं मिलेगी। यही बाबा कानून है यही बाबा का सिद्धांत है यही बाबा कानून और यही बाबा का सिद्धांत है। रोजगार पे बात करेंगे तो ये क्या बात करेंगे? मंदिर की बात करेंगे? ये बताएं कि गांव-गांव में जो बछड़े बाबा की जो मंत्री चल रहे हैं उस मंत्रिमंडल का विस्तार बंद कब करेंगे? ये बाबा बताएं कि गांव में जो बछड़े चल रहे हैं किसान हमारा परेशान है बाबा के मंत्रिमंडल का विस्तार कब बंद करेंगे? बाबा इस पे बात नहीं करेंगे। जब ये बात करेंगे ये बताएं हाथरस के बेटी को न्याय कब देंगे? कुलदीप अच्छा एक सेकंड भाई आप दे रहे हैं। अरे बहुत बोले एक सेकंड आप क्या करो तो क्या नाम है? हम ये कहना चाहते थे बोलो कि बाबा की सरकार में बछड़े हैं उसके पहले बछड़े नहीं थे क्या? अरे किसान ही पालता है बछड़ा ना तो किसान का फर्ज बनता है अपने बछड़े को अपने घर में रखे। किसान का फर्ज बनता है किसान बछड़े को छोड़ दे रहे हैं रोड पे उनको रखना चाहिए अपने घर पे ना। क्या नाम? उत्कर्ष मिश्रा। उत्तर प्रदेश क्या कर पढ़ते हैं यार इनको यार विधायक की लवाद भाई परेशान है इसलिए बाबा बात नहीं करते। अच्छा क्या कर रहे हैं? अरे मैं बता रहा हूँ जैसे अरे यार यह कांति सर एक सेकंड यार से जो है शोर को शांत बड़ी मुश्किल से शोर को शांत कराया है और इस वादे के साथ कराया कि अब जब बात करूंगा तो एक एक करके सारी बात रखें। नारा मत लगाइएगा नारेबाजी मत करिए जिसको जिताना है जिताइएगा 10 तारीख को सब पता चल जाएगा ठीक है। आपका क्या नाम दोस्त? जी सर मेरा नाम मोहम्मद हारून है। अच्छा हारून क्या करते हो आप? जी मैं सर काम करता हूँ। अच्छा किस में? मेरी टेलरिंग की शॉप है। अच्छा जी कैसा चल रहा है काम? ठीक चल रहा है पहले से तो कुछ अच्छा ही हुआ है आजकल। खेती बाड़ी नहीं है सर नहीं। अरुण भाई एक बात बताइए आपके ये फूलपुर पवई आजमगढ़ में बसपा और कांग्रेस दो से मुस्लिम कैंडिडेट हैं और सपा से रमाकांत यादव खुद चुनाव लड़े हैं तो क्या फ़र्क है?
सर, फर्क ये है कि इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2017 में, उसमें जो है रामाकांत जी जो हमारे सांसद हैं, उन्हीं की बदौलत उनके बेटे जीत गए थे भाजपा से। पूरे आजमगढ़ मंडल में जो 10 सीट है उस पे जो है सिर्फ एक ही सीट आजमगढ़ में ये निकली थी। और सर, अब की चांस हमें लग रहा है कि ये त्रिकोणीय लड़ाई होगी यहाँ पे। कैसे, किसमें? जैसे बसपा के भी प्रत्याशी हैं रामाकांत यादव जी, वो तो बाहुबली हैं, फिर उनका अलग ही मामला है। उसके बाद जो है ये रामसूरत राजभर जी हैं जो भाजपा के कैंडिडेट हैं। हमें लगता है कि तीनों में लड़ाई होगी। अब कौन फाइट कर रहा है? पास शकील अहमद जी हैं। जी, तीनों में लड़ाई अच्छी लड़ाई है सर। मुस्लिम वोट बटेगा? हमें लगता है कि बटेगा। बटेगा जी सर, ऐसा लगता है कि हाँ हाँ बटेगा सर। क्या नाम है आपका दोस्त? नहीं, वो ठीक है भैया, ऐसा आप उधर ये लड़का पार्टी से आया हुआ है। अरे यार, ऐसे करोगे? छोड़िए, ये लड़का तुम्हें काटे लगे हैं? नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है, काटा नहीं लग रहा है। बस वही है कि बात बता दीजिए, कमल का फूल निकल रहा है। क्या नाम तो बता। नाम बता। गुआल। अच्छा, क्या करते हो? वही करते हैं, ठेला वाला चलाते हैं भैया हम लोग। कैसा चल रहा है काम धंधा? बस काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है भैया हम लोग। खर्चा पानी सब निकल रहा है एकदम? ये फूलपुर पवई में ही रहने वाले हो? हाँ, इसी जगह पर हम रहते हैं। क्या है इस बार वही है कि मामला यही है कि हम लोग के जोन विचार बनेगा, हम लोग करेंगे काम। ये आपको खोद रहे हैं पीछे से? नहीं भैया, हम लोग भाजपा पे हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, इनको कौन? हम लोग भाजपा पे हैं। हाँ, बस बाबा आए, फिर से बाबा आएंगे। आप बोलिए, आप बोलिए। बाबा फिर से आएंगे। और क्या नाम है? अभिषेक। क्या करते हो अभिषेक? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास? बीकॉम थर्ड ईयर। वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ है। इसी फूलपुर पहली बार वोट देंगे और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, वही बन रहा है। बाबा आए फिर आएंगे, उनका बुलडोजर 10 तारीख बाद फिर चलेगा। बुलडोजर से क्यों सब बड़ा प्रेरित है क्या? माफ, बुलडोजर बाबा आए, वो हक हमारा है। बाबा रहेंगे तो बाबा रहेंगे। माफिया गुंडा खत्म कर दिए, लैपटॉप लेंगे। क्या करो, 12 के बाद इंटर होगा क्या होता? 12 के बाद जो वही भाजपा के लोग कहे, जो वही भाजपा के लोग कह रहे हैं गड़बड़ा के आजकल। गड़बड़ा कह रहे हैं? हाँ। क्या मतलब? उसका मतलब यही है कि भाजपा के लोग हार की वजह से एकदम पागल हुए हैं। कौन पागल? बाबा रहेंगे तो रहेंगे जो कुछ। हाँ, मशीन भी। अच्छा, एक बात होता, एक मशीन भी। एक सेकेंड। अच्छा, एक बात, कुछ युवा जो साथी हैं, हाँ क्या कहते हैं चाचा? बाबा के जो राज में शासन हुआ है, चाहे गरीब हो। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम अरुण कुमार पांडे है। अच्छा, हाँ बताइए। जो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे उसके पास 2 बिस्सा हो, चाहे 1 बीघा हो, लेकिन हर व्यक्ति के गाँव में 2-2 हज़ार रुपये हर तीसरे महीने पर, चौथे महीने पर मिला है, ये कोई नहीं कह सकता। वही आधार देकर पैसा अब वही चेयरमैन के हाथ में जाता, किसान के प्रधानों के खाते में जाता तो पैसा नहीं मिलता। और रह गई बात समानता की, बात चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे हरिजन हो, लेकिन सबको एक समान मिला है, सबको एक समान मिला है। ये चीज बाबा खाए हो, नमक खाए हो तो नमक दलाली नहीं बतियाना चाहिए। क्यों? जिसका नमक खाए उसका दलाली बतिया के हम लोग क्या पाएंगे? नमक में शीशा पीसा है। अरे कैसे नमक में शीशा पीस के आया है? मैं बोल रहा हूँ आप बनाए हैं शीशा पीसा कि आप वहाँ काम कर। अच्छा, एक बात, एक सेकंड, ये बता रहे हैं यहाँ बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे युवा खड़े। अरे मेरे भाई, हो गया यहाँ बहुत सारे यहाँ युवा हैं, एक बार सवाल सुनेंगे। बहुत सारे युवा हैं, युवाओं के लिए रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? रोजगार एकदम भ्रष्ट है, रोजगार है ही नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार। आपको कौन सा रोजगार? अपनी बात यहाँ कहो, हमसे क्यों कर रहे हो? कौन सा चाहिए? रोजगार है ही नहीं है। फिर वही बात, क्या रोजगार लेंगे आप बताएंगे तब ना आपको मिलेगा। कौन चीज के चाहिए आपको?
क्या चाहिए आप मेहनत आप उसके योग्य बनिए आपको खुद ही मिलेगा आप उसके योग्य बनिए आपको खुद ही मिलेगा कहीं है कहीं इंडस्ट्री है कहाँ है फूलपुर पवई में कहाँ सरहदों पे तनाव है क्या जरा पता करो चुनाव है क्या ये रहा दिंदौरी साहब ने कहा था ये तो कैफी आजमी का शहर है जी सर कैफी साहब का शहर है ये कैफी साहब का शहर है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है किसको छुपा रहे हो लहू ना हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता लहू ना हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता हमारे दौर में आंसू जबा नहीं होता जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा किसी चराग का अपना मका नहीं होता शायरी वायरी पढ़ते जी सर कैसे इंटरेस्ट है इसमें सर शायरी करते हैं कैसे इंटरेस्ट इसमें मतलब पढ़ते हैं साहित्य लिखते हैं खुद क्या लिखा आपने अपना लिखा एक सेकंड भैया आपसे बात कर रहे हैं ना आपसे बात कर रहे हैं इनको थोड़ा पीछे ले जाओ हिंदू है कोई कोई मुसलमान यहाँ है यहाँ सारे लोग भाई शांति से सुनेंगे तो मैं सुना दूंगा हिंदू है कोई कोई मुसलमान यहाँ है हैरान हूँ ये सोच के इंसान कहाँ है दरिया में कश्ती में तलातुम है कि तूफान से बचा लो दरिया को ताज्जुब है कि तूफान कहाँ है हम लोग मैं हिंदू मुसलमान की सारी की बात कर रहा हूँ हम लोग तो हैं खैर फरिश्तों के घरों से हमको जो लड़ाता है वो शैतान कहाँ है कल पूछ रहा था ये मेरे गांव का बच्चा अल्लाह का घर है कहाँ भगवान कहाँ है सर ये शायरी खुद से लिखी है क्या आपकी पढ़ाई कहाँ तक हमारी उर्दू से पढ़ाई की है सर अच्छा कहाँ तक पढ़ा हमने वो किया है एमए किया है उर्दू जी तो ये आप अपने से शायरियाँ लिखते हैं तो और मुशायरे में भी जाते हैं हाँ मुशायरे में भी जाते हैं हमारी वीडियोस बहुत सारी हैं यूट्यूब पे हारून आजमी के नाम से जी हेलो मुशायरा के नाम से चैनल भी है जी रोजगार के नाम पे मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं अच्छा तो प्रचार भी कर ले रहे तुम यार अरे सर आपकी आपके जरिए हो जा रहा है धन्यवाद आपका सर आपका 30 मिलियन सब्सक्राइबर एक चीज़ ये भी है सर आपका चैनल मैं बहुत फॉलो करता हूँ हर एक वीडियो देखता हूँ सर बहुत अच्छा चैनल बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता है आपकी सर और रही सर सरकार की बात सरकार की सारी नीतियाँ बहुत अच्छी थी सर इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं थी और जैसा कि माहौल बनाया गया कि ये है वो है ऐसा कुछ नहीं था सर जो लाभ मिला है सबको मिला है बस ये बात है कि हवा जो चल रही है परिवर्तन की अब देखना ही है सर सबका मत अपना है कौन किसको वोट करता है वो तो सब अपने वोट के मालिक हैं हवा चली तो यहाँ तुम रहोगे और ना हम गुबार तुम भी हो भाई गुबार हम भी हैं जहाँ जो जाएगा वहाँ चले जाएंगे सर धन्यवाद सर अच्छा एक सेकंड अब बंद करें बस बहुत बात हो गई पूरा तो बाकी है अब खत्म किया जाए यार लड़के घेर लिए पंकज अच्छा आप इंतजार कर रहे हैं एक सेकंड रुकिए आपका क्या नाम है मेरा नाम मोहम्मद साकिब है क्या करते हैं सर हम प्रोफेशन है अपना अच्छा खुद पढ़ा हाँ मेडिकल लाइन में हमारा मेडिकल लाइन में नीट किया नहीं नहीं नीट नहीं किया हमने डी फार्मा हमने डी फार्मा तो यहाँ खुद प्रैक्टिस करते नहीं प्रैक्टिस नहीं करते हमारा मेडिकल स्टोर में अपना अच्छा मेडिकल स्टोर हाँ कहाँ पे मार्केट में कैसा चल रहा है ठीक है हमारा कह रहे हैं कोरोना टाइम पे जो मेडिकल स्टोर वाले भाई ठीक चला बाकी तो सब गड़बड़ा गया था नहीं ठीक चला था सब अब वो खुला था सारा धंधा बंद था वो खुला था पेशेंट ज़्यादा थे उसमें वही लोग जीवन रक्षक थे अपनी जान को हथेली पे रख के लोगों की आप लोग मदद कर रहे थे और बहुत सेवा की आप लोगों ने और तब से अभी तक में कुछ फर्क आया है कुछ कम ज्यादा हुआ नहीं मेडिकल लाइन में तो ग्रोथ ही है डाउन नहीं ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ेगी ग्रोथ ऑलरेडी बढ़ेगी तो ये आपकी दुकान है फूलपुर में फूलपुर में फूलपुर में जो है
तो कहते हैं यहाँ रमाकांत यादव बाहुबली हैं, और बसपा से यहाँ पे शकील अहमद हैं, बीजेपी से राजभर जी हैं, और कांग्रेस से शाहिद सादाब। तो चारों में क्या लड़ाई देखते हैं? रमाकांत यादव के यहाँ वर्चस्व है, वो आसानी से ये जीत लेंगे, क्योंकि वो चार बार यहाँ पर विधायक थे और यहाँ कंकगिरी क्षेत्र है, वो आसानी से ये क्षेत्र जीत लेंगे। गुटका थूक के बताओ यार। नहीं गुटका नहीं, 20,000 प्लस है जीतेंगे। 20,000 प्लस? हाँ बताओ, थूक दिए। सांसद जी 20,000 प्लस से जीतेंगे। रात का वक्त है और मुश्किल ये है कि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग बीच बीच में नारे लगाने पड़ रहे हैं, तो इसलिए कई बार वीडियो बंद करके शांत कराना पड़ा हमें। अब हम जो है एक आखिरी सवाल जो है पूछ रहे हैं, गमछा ले रहे हो? जी हमारी शान है, आन बान शान है जी। क्यों शान है? शान तो है, अब क्यों? भगवा धारी जी। हिंदुत्व का मुद्दा? जी हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, सबके लिए है, सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, पूरे। जैसे ये ना बीच में कह रहे थे सांड से लोग परेशान। अरे तो हम नहीं कहें कि सांड से परेशान है, बोल रहे किसान परेशान है, ये आपकी सपा वाले का मुद्दा है। तो हम कह रहे बाबा आके हाकेंगे क्या साड़वा हर गांव गांव, तो क्या प्रचार प्रसार करेंगे? किसानी तो छोड़ रहे हैं, अब किसान से जाके पूछिए क्यों टाल रहे हैं आपके गाँव में किसान, अब किसान से जाके पूछिए ना। सपा वाले तो यही मुद्दा मिला है इस बार की बछड़ा बछड़ी वाला बनाए, और क्या, और कोई मुद्दा है ही नहीं, और कोई मुद्दा है ही नहीं उनके पास। एक किसान जब जो है जब पालता है और उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो खिला पाए, तब वो छोड़ देता है जी। तो उसके लिए गौशालाएं बनाई गई, गौशालाएं कम पड़ गई, गौशालाओं का मॉडल फेल रहा, जिस तरीके से सरकार ने पैसे ने दिया लेकिन उसका जमीनी तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया ठीक से, इस वजह से इसकी समस्या है जी। तो ये जो कह रहे हैं भैया, थोड़ा शांति का सहयोग दीजिए ताकि हम आपकी बात को गंभीरता से सुने, हम अपनी बात गंभीरता से। हाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो कह रहे थे कि सांड कोई मुद्दा नहीं है, जबरदस्ती का मुद्दा है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए इस समय प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव चल रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। इनसे केवल इनसे पूछिए, सांड मुद्दा नहीं है, गांव का किसान परेशान है, विकास शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, अभी इनसे शिक्षा पे बात की जाएगी तो नहीं करेंगे, सांड पे बात करेंगे तो नहीं। इनको क्या है, चावल मिल रहा है, दाल मिल रहा है, इसी खुश रहें। इनके बच्चे कब शिक्षित होंगे? उत्तर प्रदेश में कानून का राज कब व्याप्त होगा? उत्तर प्रदेश में किसान को कुचलने पर 5 महीने के अंदर बेल मिल जा रही है। आजम खान साहब 25 महीने से जेल में बंद है, बकरी अपनी बात कहने दो यार, आजम खान साहब 25 महीने से जेल में बंद है, बकरी चोरी के इल्जाम में उन्हें जमानत कब मिलेगी? दूसरी बात, हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इंसान की हत्या कर देंगे, अरे रुको यार, हाँ हत्या कर देंगे तो आपको 5 महीने में बेल मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर बेल तो कोर्ट से केस आके ऊपर लग जाए तो अरे यार रुको यार, तो बोल रहे बाबू, तो आपको 45 महीने में बेल नहीं मिलेगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पे मैं बात करना चाहता हूँ, ठाकुर मरता है तो 50 लाख मुआवजा मिलता है, बात आपने बोल, आप ये बोल, यादव मरता है तो 30 लाख मिलता है, बनिया मरता है 20 लाख मिलता है, एससी मरता है 10 लाख मिलता है। अगर हमारे मुसलमान भाई की हत्या हो जाती है तो एक भी पैसा नहीं मिलता। मैं बाबा से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा प्रजा प्रजा में भेद क्यों कर रहे हैं, ये बताएं। भेदभाव है? भेदभाव कोई नहीं है, सब एक जैसा। जैसा अभी भैया ने बताया कि गाय बछड़े थे, मैं बोल रहा हूँ सपा सरकार में बछड़े नहीं थे क्या? सपा सरकार में आसान है, पढ़े लिख के लोग चाय बेच रहे हैं, पकौड़ा बेच रहे हैं, रोजगार बाबा कब देंगे? ये कानून सरकार में पकौड़ा नहीं बिकता था क्या? ये कानून व्यवस्था के लिए सवाल उठा रहा है, आज वो सरकार चला रहे हैं, कानून व्यवस्था ठीक नहीं। अरे अब इससे अच्छा कानून व्यवस्था क्या हो सकता है? बहन बेटियां सुरक्षित हैं,
सबको सब कुछ सुविधाएं मिल रही है, लाइट इतना अच्छा मिल रहा है, अब कौन सी कानून व्यवस्था। आज आज इंडिया इतना सक्षम हो गया कि यूक्रेन उससे मदद मांग रहा है, बताइए क्या। आज इंडिया इतना सक्षम हो गया है कि यूक्रेन आके मदद मांग रहा है, सपा सरकार में इंडिया कोई पूछता नहीं था। सपा सरकार यूक्रेन कहां से? अरे तो आज यूक्रेन मदद मांग रहा है मोदी जी से, कैसे कि बचा लीजिए हमें रूस से। आज इतना सक्षम हो गया भारत की दूसरे देश के लोग आके तो ये कैसे बहुत लोग पहले पहले सुनिए पहले सुनिए कभी गोली से कभी। अच्छा एक बात कहो, ये यूक्रेन वाला मुद्दा कहाँ से जाना? यूक्रेन वाली बात कहाँ से पता लगी? अरे न्यूज पे देखते हैं, देखते हैं कि मदद मांग रहा है वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। जो वहाँ बच्चे फंसे भारत के उसमें आ रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान के बच्चे इंडिया का नाम लेके आ रहे हैं। कैसे कैसे क्या? मोदी जी जो सब कहते थे, मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, विदेश करके यही बनाए हैं, यही बनाए हैं कि आज वहाँ के लोग इंडिया के नाम लेके आ रहे हैं। वहाँ एक बच्चे की मौत हो गई भारतीय, आपको पता लगा? जी ये न्यूज अभी हम नहीं देखे, देखी नहीं जी, नहीं। वहाँ वीडियो बहुत सारे आए और बच्चे परेशान हैं, वहाँ पे मदद नहीं पहुँच पाई, भारत सरकार ने ऑपरेशन शुरू किया लेकिन तब तक जो है बहुत सारे बच्चे परेशान हुए, सब देखा जी ये देखे। अब वहाँ पे रूस लगातार हमला कर रहा है तो क्या किया जाए, आप ही बताइए क्या किया जाए। आप थोड़ा हमला रुके, हमला रुके तो व्यवस्था की जाए। रूस और यूक्रेन, एक सेकंड, रूस और यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन कहाँ है देखे हो मैप में? पता है यूक्रेन कहाँ? मैप लाग दीजिए बता दे, पहले रूसी में था अब अलग हो गया। अच्छा पहले रूस में था अब अलग हो गया, मतलब आपको जानकारी है जी। क्यों लड़ाई हो रही है? अब लड़ाई वहाँ की कोई जगह है उसी के लिए हो रही, नाम तो हमें नहीं पता है लेकिन उसी के लिए। भारतीय छात्रों को लाने पे आपको क्या सोचते हैं? मदद कर रहे हैं जो भारतीय छात्रों को रेस्क्यू किया जा रहा है उस पे क्या सोचते हैं? बोल, जो भारतीय छात्र यहाँ से गए और फंस जी, हम सोचते है कि हमला एक दो दिन के लिए रुके, वहाँ से फ्लाइट से सब बच्चे आ रहे हैं, भेजी जा रही है फ्लाइटें यहाँ से जी। थोड़ा शांति का सहयोग, ये ठीक कह रहे हैं? हाँ ठीक तो कह रहे हैं। हम बता दे आपको, सुनिए सुन लीजिए, बीएसपी सरकार में एक हफ्ता रात एक हफ्ता दिन बिजली मिलती थी, इस समय 24 घंटे मिल रही है, पूरी 24 घंटे इसमें मिल रही है। पूछ लीजिए एक हफ्ता रात एक हफ्ता दिन मिलती थी कि नहीं मिलती, पूछ लीजिए पहले। खाली बीजेपी सरकार इस बार आनी चाहिए। क्या कह रहे हो गया? ठीक है, सरकार में लाइन नहीं मिली है। अच्छा बहुत सारे लोगों से हमने बात की, अपू आजमगढ़ के फूलपुर पवई सीट पर लोगों का मत जाना, अलग अलग लोगों को से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत भीड़ हो गई, अब बात आगे नहीं बढ़ पाएगी।